नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा इस वीडियो में आपको बताऊंगा दक्षिण पश्चिम मुखी घर के प्लान के बारे में। दोस्तों, ये घर का प्लान है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। रोड कारें यहाँ खड़ी, रोड मतलब घर की एंट्री ये है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा का प्लान हो गया, घर हो गया। ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा। दोस्तों, जब 45 डिग्री पर दिशाएं हो, डायगोनल प्लाट पर मकान बना हुआ हो, तो ये डायगोनल प्लाट में देखिए, ये नॉर्थ जब ये होता है तो उस केस में ये ईशान कोण की तरह व्यवहार करता है ये कोना, और ये नॉर्थ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, ये साउथ और ये वेस्ट। कभी भी आप डायगोनल प्लाट पर ये नॉर्थ तो इसे ईशान, इसे अग्नेय, इसे नैऋत्य, इसे वायव्य मत समझिए उस केस में। और इसके हिसाब से वो ग्रिड व्रिड बना के जो करते हैं सब गलत करते हैं। मेरा बहुत व्यवहारिक अनुभव है, मैंने काफ़ी काम किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है ना। जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ व्यवहारिक तरीके से, मैं बहुत काम किया और जो सही रिजल्ट्स आए हुए हैं उसके आधार पर दे रहा हूँ, तो आप निश्चित रहिए। हाँ, ये 45 से कम, 43-44 तो तब उस केस में नॉर्थ की रहेगा, क्योंकि 44 डिग्री यहाँ आ गई तो ये नॉर्थ हो जाएगा। और इधर 44 आ रही, इस तरफ आ रहा है तो देखा जाए तो ठीक है, तो इधर नॉर्थ मान ही रहे, तो ये ध्यान रखिएगा। ये अब इस केस में देखते हैं कि अब ये हो गया आपका ये हो गई पश्चिम दिशा और ये हो गई दक्षिण दिशा, तो नैऋत्य का द्वार हो गया ये। तो ये द्वार नैऋत्य का सही नहीं है, क्योंकि नैऋत्य का द्वार कहलाएगा पश्चिम नैऋत्य का। दूसरा, पोर्च के अंदर कार खड़ी है, इसका मतलब कि ये गार्डन जैसा लिखा हुआ है, लॉन लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर नीचा आई है ऐसा, तभी गाड़ी आके आई, और यहाँ दो स्टेप दी तो नैऋत्य को नीचा है। इसका मतलब द्वार गलत होना, इसका नीचा होना। इस घर के ऐसे घर के बारे से बाहर से आप देख के कह सकते हो इस घर में दुखी लोग रहते हैं, इन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, आर्थिक कष्ट हैं, मानसिक समस्याएं हैं, बीमारी है। घर के महिला पुरुष को कि ये हिस्सा दोनों हिस्से नीचे हो गए, यानी इस घर के लोग सुखी रह ही नहीं सकते। भले कितना ही अच्छा मकान बनाओ, हो सकता है पहले के इस मकान में रहते हों, दो पैसे अच्छे कमाए हों, और कमा के जब इस मकान को बनाया है तो यहाँ के रहने के बाद उनका जीवन बहुत परेशानी भरा हो जाएगा। अब देखते और इसमें क्या गलतियाँ हैं। बड़ी गलती तो यही हो गई है, ठीक है कि नहीं। ये द्वार ठीक है, जो देखा जाए तो ये हो गया आपका पूर्व दक्षिण अग्नि का द्वार, ये भी द्वार ठीक है, ये भी ठीक है, ये द्वार भी ठीक है। किचन हो गया आपका ये नॉर्थ, नॉर्थ का किचन अच्छा किचन माना जाता है, नॉर्थ का किचन। इसमें घर की स्त्रियाँ जो समझदार रहेंगी, ठीक है ना। और यूँ यदि बाकी ये दोष ना होता तो घर के पुरुष को कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, ठीक है। लॉन्ड्री हो गई, ठीक है। ये दो द्वार गलत हो गए, क्योंकि इस केस में ये हो गया दक्षिण, ये हो गई उत्तर, ये दक्षिण नृत्य का हो गया और ये हो गया उत्तर वायव्य का द्वार हो गया। ये दो द्वार गलत है, बाकी फिर ठीक है जो इनने कर रखा अंदर, तो ये द्वार सही हो जाते। यदि ये करते क्या कि यहाँ पैसे जैसा दे देते और एक द्वार यहाँ बना देते, यहाँ बना देते, तो ये द्वार वाला दोष दूर हो जाता और यहाँ से रोशनी भी आती रहती, ठीक है ना। ये पूरा बंद पैक कर दिया उन्होंने, तो यहाँ ओपन कुछ छोड़ देते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। पर ये चाहिए था इस हिस्से को इधर बनाते और ये हिस्सा इधर ले आते, तो इस घर का वास्तु बहुत अच्छा हो जाता और ये लोग सुखी रहते। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।